हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरोपैथी कंसल्टेंट में, मेरे इस चैनल में। आज मैं मोहसिन मुख्तार खटीक आपके लिए लाया हूँ एक ट्रीटमेंट जो आफ्टर कोविड जो वीकनेस हो जाता है उसमें हमें यूज करना है। यूजुअली जो अभी पीरियड चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है कि जिसमें कोविड के बाद एक अजीब तरीके का वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, और जिसे हम अशक्तपना जो बॉडी का होता है वो जल्दी दूर नहीं हो पा रहा है, तो हम एक ऐसी चीज से उसका ट्रीटमेंट करेंगे जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, जो हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, जिनको बैक लोअर बैक पेन है उनके लिए बेनिफिशियल है, जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए बेनिफिशियल है, जिनको जो पेप्टिक अल्सर मतलब जिनका अल्सरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनको पेट में जो जलन होती है या खाने पीने की वजह से बोलो या फिर किसी और वजह से बोलो, तो उस टाइम पे उनको जो म्यूकस सिक्रेशन कम होने की वजह से जो पेट में एक अजीब सी बेचैनी और तकलीफ होती है उसमें हमें ये चीज काम आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे बेनिफिट्स जिस चीज के लिए बता रहा हूं वो क्या है और उसे हम घर बैठे तैयार कर सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स दोस्तों, उस चीज का नाम है तलबीना। अब ये क्या होती है, तलबीना क्या है और उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तलबीना 1400 साल पहले नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया हुआ एक बेहतरीन और रामबाण नुस्खा है, जिसे हम स्पेशली जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हार्ट के डिसीजेज होते हैं या फिर डिप्रेशन होता है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। हम इन्हें उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिन्हें डॉक्टर ने कंटिन्यूअसली 2 to 3 months 2 से 3 महीने के लिए बेड रेस्ट का हुआ है। ऐसे पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करने से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो अपने वर्किंग पे जाते हैं, वो अपने काम पर निकल सकते हैं। दोस्तों, तलबीना ये एक कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, जिसमें हमें लेना है बार्ली, जिसे हम जौ भी कह सकते हैं, हमें लेना है खजूर, गिल्ली खजूर जिसे हम जो बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक यूनिक अमाउंट के साथ, यूनिक क्वांटिटी के साथ हमें दूध में पकाना है। अभी अगर मैं चाहूँ इसके बेनिफिट्स और बताना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये मिनटों से घंटों में बदल जाएगा। बार्ली इटसेल्फ, इसके इतने बेनिफिट्स है क्योंकि इसमें जो बीटा ग्लूकोन्स होता है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, इसकी मदद से हम हमारा यूरिनरी सिस्टम्स को क्लियर कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट कम नहीं हो रहा, जो वेट लॉस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं है, और वो अगर ये जो हमारा नुस्खा है अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको 100% विद इन 1 month रिजल्ट दिखना ही चाहिए और दिखेंगे ही। अभी ये तलबीना होता है 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, बट इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने का एकदम आसान सा तरीका है। हमें बार्ली या जौ को रात भर के लिए भिगो के रख देना है। जब हम इसे रात भर भिगो के रख देते हैं तो हमें इसे दूध के साथ पकाना है। अगर हम 1 लीटर या 1 किलो दूध लेते हैं तो हमें जौ लेना है 100 ग्राम, और जो कोई आसानी से पकने वाली या गलने वाली चीज नहीं है दोस्तों, इसे हमें कम से कम 45 मिनट्स से लेकर 60 मिनट्स मतलब 1.5 से 1 घंटे तक पकाना पड़ेगा। इसको अगर हम चाहे तो बेस्ट मेथड उसका यह है कि आप इस जौ को रात भर भिगो के रख दीजिए, उसे सुबह 1 लीटर या 1 किलो अगर आप दूध ले रहे हो तो उसमें 100 ग्राम्स जौ ऐड करना है। पहले दूध को थोड़ा उबलने तक या खौलने तक बॉईल कर लीजिए या उसे पका लीजिए। जब दूध थोड़ा सा हल्का सा बॉईल हो जाए या खौल जाए या पक जाए, उसके बाद उसमें आपको जौ ऐड करना है, और जौ को एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स पूरे पकने तक दूध में रहने देना है, और बीच बीच में आपको चम्मच चलाना है या फिर आपको बीच बीच में उसे शेक करना है। जब ये पूरी तरीके से पक जाए तो फिर आपको जो हमारे पास गिल्ली खजूर है, हमें ऑलमोस्ट 10 से 12 या 12 से 15 खजूर लेनी है जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और वो हमें इस मिक्सचर में ऐड करना है।
और जब खजूर हम ऐड कर देते हैं उसके बाद हमें उसे और 10 से 15 मिनट तक चलाना है, हल्की आंच पे पकाना है और शेक करना है, उसे हम टेस्ट कर ले। अगर आपको चाहिए कि इसमें स्वीटनेस कम है या अगर आप इसकी मिठास को और बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें थोड़ा शहद या हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्लीज चीनी मत ऐड करना, शुगर उसमें ऐड नहीं करना है। और इसको आप पूरा बना लीजिए, वो पूरा बेहतरीन तरीके से खीर की तरह बन जाएगा। और उसे आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, अगर आप चाहे तो उसे कुमकुमा या फिर नॉर्मल जो गर्म है वो खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करते हो और ठंडा करके अगर आप इसको फ्रीज में रखते हो और फ्रीज में मतलब वो पूरा ठंडा होने के बाद अगर आप इसको खाते हो ना दोस्तों, ऑसम टेस्ट होता है उसका। और उसका टेस्ट इस तरीके से होता है ना कि अगर आप ब्रेकफास्ट में उसको बच्चों को देते हो तो बच्चे उसे मतलब उनसे उनके मुंह से नहीं छूटेंगी वो चीज। और हाँ, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, उसमें ये है कि जिन बच्चों की याददाश्त, जैसे कोई बच्चे लेसन्स तैयार नहीं कर पाते या फिर वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो इसके ऑसम रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो इससे बढ़ जाएगा, उनका जो वोकैबुलरी पावर है वो इससे बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आज से 2 साल पहले यूरोप में एक स्टडी हुआ था कि एक ऐसा पेशेंट था जिनको हर तरीके का ट्रीटमेंट यूज किया था उसका एच बी राइज होने के लिए, बट उसका एच बी राइज नहीं हो रहा था, उसका हेमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था, उसकी जो आयरन कैपेसिटी है बॉडी की वो बढ़ नहीं रही थी। सो ये तलबीना जो कॉम्बिनेशन है उस पेशेंट को दिया गया और आप यकीन मानो दोस्तों, विद इन 26 डेज, उसका 26 दिनों के बाद जब हेमोग्लोबिन चेक किया गया तो वो हेमोग्लोबिन का लेवल उस हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मल पाया गया। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स और फायदे है दोस्तों, बट आप इसको घर में ट्राई कीजिए, बनाइए और आपके जो कुछ भी कमेंट है वो जरूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।